नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय पेंटर जनरल के विषय सैद्धांतिक के पाठचर्या में अंकित प्रसंग पेंटिंग एस्टीमेट एवं कॉस्टिंग के विषय पर मैं आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज का हमारा प्रसंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पेंटिंग एस्टीमेट एवं कॉस्टिंग। तो इसमें हम आज जानेंगे 14 एवं भिन्न भिन्न सरफेस तैयार करना तथा पेंट करने के तरीके। उसके बाद हम पेंटिंग वस्तुओं और पोस्टरों की सुरक्षा। उसके बाद है जानेंगे हम सिंथेटिक एनामेल पेंटिंग मेथड और फिर डीको पेंटिंग मेथड। ड्राई पिगमेंट के बारे में जानेंगे, एनसी थिनर के बारे में जानेंगे, सिंथेटिक थिनर और एस्टीमेट एवं कॉस्टिंग का परिचय तथा विधि के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले 14 एवं भिन्न भिन्न सरफेस तैयार करना तथा पेंट करने के तरीके। सबसे पहले जानेंगे डेफिनेशन ऑफ 14। 14 है क्या? 14 करते समय लोहे या लकड़ी की वस्तुओं पर या दीवार पर जो खड्डे या दरारें होती हैं उन्हें फिलअप करने के लिए पेस्ट के रूप में जिस तत्व का इस्तेमाल किया जाता है उसे 14 कहते हैं। तो मतलब जो जो खड्डे या दरारें होती हैं दीवार में, दरारें होती हैं, जो गैप होता है या होल होता है उसको भरने के लिए एक पेस्ट के रूप में तत्व इस्तेमाल किया जाता है उसे ही हम 14 कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले लकड़ी की सरफेस कैसे तैयार करना है उसके बारे में जानेंगे। लकड़ी की सरफेस पर सबसे पहले रबिंग करते हैं जो कि सैंड पेपर से की जाती है। एक कोने से दूसरे कोने तक रबिंग करने के बाद धरातल पर खड्डे या दरारें हों तो उनमें हम 14 भरते हैं जो कि चौक मिट्टी में सुरेश का पतला पानी व सादा पानी मिलाकर पेस्ट के रूप में बनाई जाती है। इसका प्रयोग पुट्टी नाइफ से किया जाता है और खड्डे और दरारें भरने के बाद घिसे हुए सैंड पेपर से फिर से उसकी रबिंग करते हैं ताकि खड्डे और दरारों की सरफेस शेष की सरफेस के अनुसार समतल हो जाती है। फिर इसको साफ कपड़े से पोंछकर साफ ब्रश से अलसी के तेल की कोटिंग करते हैं। इसे सूखने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाता है। जब अलसी के तेल की कोटिंग सूख जाती है तब वाइट लीड पेंट की कोटिंग की जाती है। वाइट पेंट को सूखने के लिए 12 घंटे का समय दिया जाता है। ये समय जो है पहले जो है 48 घंटे कम से कम समय देना है हमें सूखने के लिए। उसके बाद जो है वाइट लीड पेंट की कोटिंग को जो है कम से कम 12 घंटे का समय हम देंगे सूखने के लिए। उसके बाद सिंथेटिक एनामेल पेंट जिसका भी करना है कपड़े में छान कर वाइट लीड पेंट की कोटिंग सूखने के बाद घिसे हुए सैंड पेपर से रबिंग करके साफ ब्रश से सिंथेटिक एनामेल पेंट की कोटिंग करते हैं। अगर एक कोटिंग से सरफेस पर फिनिशिंग ना आए तो सिंथेटिक एनामेल पेंट की दूसरी कोटिंग पहली कोटिंग सूखने के बाद की जाती है। इसके बाद है कि जो है लकड़ी की सरफेस पर हमें क्या फिर सावधानियां लेनी है। सावधानियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ सावधानियां क्या क्या लेनी है। पहला है सैंड पेपर से रबिंग अच्छी प्रकार करनी चाहिए अन्यथा फेसिंग अच्छी और समतल ना आ सकेगी और पेंट में खुदरापन आ जाएगा। यानी जो सर हमने 14 फिलिंग करने के बाद जो है हमें जो है जो होल थे या गड्ढे थे उनमें हमने पहले तो जो है वो 14 भर दिया। उसके बाद जो है सैंड पेपर से उसकी रबिंग करेंगे ताकि जो है जो हमारा सतह है और जो 14 भरने के बाद सतह है वो जो है उसमें जो है समतल हो जाए, एकदम एक फेस में हो जाए और जो है कहीं कोई खुदरापन न रहे। उसके बाद दूसरा है पहली कोटिंग अच्छी तरह सूखने के बाद दूसरी कोटिंग लगाने के लिए
तथा हर एक कोटिंग को सूखने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, अन्यथा सरफेस पर फिनिशिंग कोटिंग लगाने के बाद क्रैकनेस आ जाएगी। जैसे कि अभी बताया गया था कि पहले जो कोट करने के बाद उसको जो है सूखने का समय देना है, जब वो सूख जाएगा कुछ घंटे जो भी समय लगेगा जैसे, तो उसको सूखने के बाद जो है तभी हम दूसरा कोट देंगे। अगर उस बिना सूखे हम कर देंगे तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी और क्रैकनेस आने का ज़्यादा खतरा रहेगा। तो इसके बाद तीसरा है, वाइट वाइट लीड पेंट तैयार करते समय अलसी का तेल, वार्निश और तारपीन की मात्रा ठीक होनी चाहिए, अन्यथा की गई कोटिंग में अलसी का तेल ज़्यादा होने से देर में सूखेगी, वार्निश ज़्यादा होने से क्रैकनेस आ जाएगी या तारपीन की मात्रा अधिक होने से पेंट बहने लगेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वाइट लीड पेंट जो हम तैयार करेंगे तो उसमें हम मतलब उसके गाढ़ेपन को कम करने के लिए अलसी का और फिनिशिंग के मतलब चमक के लिए हम अलसी का तेल, वार्निश और तारपीन जो है वो मिलाते हैं, तो उसकी मात्रा जो है वो मतलब बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा मात्रा से जैसे वार्निश है हमने ज़्यादा क्वांटिटी में डाल लिया तो उससे क्रैक होने का खतरा रहता है, और तारपीन का तेल ज़्यादा मिला दिया तो फिर जो है वो पेंट बहने लगता है, इसलिए इसकी मात्रा जो अनुपात होता है वो सही होना चाहिए। इसके बाद आता है, खड्डे और दरारों में पुटीन भरते समय सलेस और चौक मिट्टी के मिश्रण में सही अनुपात होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा पुटीन में क्रैकनेस आ जाएगी। खड्डे और दरारों में पुटीन भरते जब हम भरेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया जो है रेशियो सही होना चाहिए। फिर आता है, पुराने पेंट को अच्छे प्रकार से उतार देना चाहिए, अन्यथा पुराना पेंट कमजोर होने से नए पेंट की कोटिंग क्रैक हो जाएगी। पुराना पेंट जो है सही से सैंड पेपर से जो है रबिंग करके उसे उतार लेना चाहिए, अन्यथा जो है अगर थोड़ा सा भी रह जाता है तो उससे क्रैक आने का, हम कोटिंग नई कोटिंग करेंगे उस पर तो उस पर जो है क्रैक आने का डर रहता है और जो है प्रॉपर जो है वो चमक भी नहीं आ पाएगी। इसी तरह अभी हमने पढ़ा लकड़ी के सरफेस के बारे में, इसी तरह अब है दीवार की सरफेस। दीवार पर सबसे पहले सैंड पेपर से रबिंग की जाती है, इसके बाद खट्टे और दरारों में पुटीन भरी जाती है जो कि चौक मिट्टी में सरेश और सादा पानी के मिश्रण से बनाई जाती है। खट्टे और दरारों पर दोबारा से घिसे हुए सैंड पेपर से सरफेस को समतल कर लेते हैं, फिर इसको साफ कपड़े से पोंछ कर अलसी के तेल की कोटिंग की जाती है। अलसी के तेल की कोटिंग सूखने के बाद वाइट लीड पेंट बनाते हैं जो कि एक भाग वाइट लीड, आधा भाग वार्निश और एक चौथाई भाग तारपीन का तेल मिलाने से बनता है। इसको किसी साफ कपड़े से छानकर साफ किए ब्रश से कोटिंग लगा देते हैं। साफ ब्रश से कोटिंग लगाते हैं। व्हाइट लीड पेंट की कोटिंग सूखने के बाद सिंथेटिक एनामेल पेंट को कपड़े से छानकर, इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि सिंथेटिक एनामेल पेंट को कपड़े से छानना है, से छानकर साफ ब्रश से बाएं से दाएं, दाएं से बाएं और नीचे से ऊपर आड़े और तिरछे हाथों से थोड़ी थोड़ी सरफेस पर फिनिशिंग राउंड लगाकर पूरे धरातल को फिनिश कर लेते हैं। अगर इसमें भी एक कोटिंग के अंदर फिनिशिंग ना आए तो दूसरी कोटिंग पहली कोटिंग सूखने के बाद लगा देते हैं। अब इसमें भी हमें क्या-क्या सावधानियां जो है हमें रखनी है। सबसे पहले है इसमें दीवार की रबिंग अच्छी तरह करनी चाहिए, अन्यथा फिनिशिंग अच्छी तरह ना आ सकेगी और पेंट क्रैक हो जाएगा जैसे कि पहले बताया जा चुका। और दूसरा, गीले धरातल पर गीली कोटिंग नहीं करनी चाहिए अन्यथा पेंट क्रैक हो जाएगा, कि मतलब सतह को गीले सतह पर हमें जो है नहीं करनी है कोटिंग, सूखने के बाद ही करनी है। तीसरा है,
व्हाइट लीड पेंट बनाते समय मिश्रित वस्तुओं का अनुपात ठीक होना आवश्यक है, अन्यथा सरफेस पर पेंट लगाने के बाद सरफेस खराब होने का अंदेशा रहता है। ठीक। और उसके बाद है, हर एक कोटिंग को सूखने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, अन्यथा पेंट क्रैक हो जाएगा। उसके बाद है, कोटिंग को सूखने का पर्याप्त समय देना चाहिए, अन्यथा कोटिंग सूखने पर क्रैक हो जाता है। के बाद है, कोटिंग भरते समय दीवार को पानी से गीला कर लेना चाहिए ताकि कोटिंग के साथ अच्छी तरह से पकड़ बना ले। अगर ऐसा ना किया गया तो फिनिश कोट सूखने पर कोटिंग बाहर निकल जाता है। तो इन बातों का जो है हमें सावधानियां रखना जरूरी है। उसके बाद है हमारा टीन सरफेस। अभी हमने लकड़ी का सरफेस था, फिर दीवार के सरफेस, अब है टीन की सरफेस। ऐसे सरफेस पर सबसे पहले मोटे इमरी पेपर से रबिंग करते हैं ताकि जंग इत्यादि अच्छी तरह से उतर जाए। अगर कुछ खड्डे इत्यादि धरातल पर हों तो उनमें ऑयल कोटिंग भरते हैं। इसके बाद रेड ऑक्साइड पेंट से प्राइमर कोटिंग लगाते हैं जो कि रेड ऑक्साइड पिगमेंट से तैयार किया जाता है। इसमें चमक नहीं होती है। इस कोटिंग को सूखने के पश्चात घिसे हुए इमरी पेपर से दोबारा रबिंग करते हैं ताकि जो छोटे छोटे कण या धूल सरफेस पर रह जाती हैं वह समतल हो जाती हैं। फिर इसे कपड़े से पोंछकर वाइट लीड पेंट और जिसकी फिनिश कोटिंग करनी है उस रंग का पेंट इसमें मिलाकर एक कोटिंग कर देते हैं और इसे 12 घंटे सूखने के पश्चात सिंथेटिक एनामेल पेंट की कोटिंग की जाती है। अगर एक कोटिंग में फिनिशिंग ना आए तो पहली कोटिंग सूखने के बाद दूसरी कोटिंग लगा देते हैं। तो ये हमारा जो है टिन सरफेस में कि पहले जो है इमरी पेपर के जो है उसकी रबिंग करेंगे, उसके बाद जो है उसमें ऑयल कोटिंग भरेंगे और उसके बाद जो है वाइट लीड पेंट हम लगाएंगे, उसके बाद सूखने के बाद हम सिंथेटिक एनामेल पेंट की जो है कोटिंग करेंगे और फिनिशिंग नहीं आती है तो फिर हम दोबारा जो है दूसरा कोट लगाएंगे। अब इसमें भी हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है ये तो इसमें सबसे पहले रबिंग खूब अच्छी प्रकार से करनी चाहिए ताकि टीन की सरफेस पर जंग इत्यादि न रह जाए, अन्यथा पेंटिंग करने में जंग लगी हुई सरफेस पर पेंट कमजोर पड़ जाती है और क्रैक हो जाता है। कि जो है सबसे पहले टीम के सरफेस पर जो होता है जंग का भी चांस रहता है कि उस पर जंग लगा रहता है, तो उसको अच्छी तरह से जो है साफ कर लेना चाहिए ताकि उस पर जरा सा भी जो है जंग न रह जाए, नहीं तो पेंट कमजोर पड़ जाता है। इसलिए सबसे पहले जो है उसकी जंग को साफ करते हैं। फिर आता है, कोटिंग को सूखने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, अन्यथा कोटिंग सूखने पर पेंट की हुई फिनिश कोटिंग खराब हो जाती है। पेंट को सूखने के लिए जिसे पहले बता चुका है कि कोटिंग को जो है वो सूखने के बाद ही जो है हम उस पर पेंट करेंगे, यानी कि कोटिंग गीली है और हमने उसके ऊपर ही कोट कर दिया तो वो क्रैक निश्चित आ जाना है। गीले धरातल पर गीली कोटिंग नहीं करनी चाहिए। हर एक कोटिंग सूखने पे के बाद दूसरी कोटिंग करनी चाहिए ताकि पेंटिंग करने के बाद शीघ्र उसमें क्रैकनेस ना आ जाए। फिर चौथा है, रंगों की प्रोपोर्शन में वार्निश व तारपीन की मात्रा अनुपात ठीक होना चाहिए, अन्यथा इसकी वजह से भी की गई कोटिंग में खराबी आ जाती, अर्थात की गई कोटिंग सूखने के बाद क्रैकनेस आ जाती है या पेंट बहने लगता है। और फिर पांचवी हमें सावधानी रखनी है वो है, अगर टीन की शीट पर कहीं खट्टे या दरार इत्यादि में कोटिंग भरी गई हो तो उसे सूखने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, अन्यथा इस पर की गई कोटिंग में कोटिंग सूखने पर क्रैक हो जाता है। तो इन बात ये सावधानियां जो है हमें टीन की जो है सरफेस पर कोटिंग के समय देना चाहिए। इसके बाद है हमारा पेंटिंग
वस्तुओं और पोस्टरों की सुरक्षा, पेंटिंग की वस्तुओं और पोस्टरों की सुरक्षा। तो जब किसी वस्तु पर पेंटिंग का काम करते हैं या लकड़ी या वह करते हैं वह लकड़ी को घुन लगने से या टीन की शीट को जंग लगने से बचाता है। पेंट जो है वो उन चीजों को बचाता है। इसके अलावा इन चीजों को हवा, पानी और धूप से बचाकर रखे तो वस्तुएं काफी लंबे समय तक खराब नहीं होती हैं। बनी ऑयल पेंटिंग या टीन के बोर्ड पर अगर थोड़ा सा शेड छत बनाकर लगा दिया जाए तो उससे भी बोर्ड की हिफाजत होती है और ऑयल पेंटिंग समाप्त करने के पश्चात स्वच्छ स्पार सिंथेटिक वार्निश की कोटिंग की जाए तो उस पर धूप, हवा, वर्षा इत्यादि का असर नहीं होता। और प्रयत्न यही करना चाहिए कि अगर विज्ञापन के लिए भी बनी हुई ऑयल पेंटिंग का प्रयोग किया जाए तो उस पर एक छोटी सी छत आगे की तरफ बढ़ाकर शेड दे देनी चाहिए। इसी प्रकार से बने हुए पोस्टर जो कि वाटर कलरिंग से बनाए जाते हैं, इसके अलावा अगर ऑयल पेंटिंग से बनाए गए हों तो उन्हें शीशे से फ्रेम करवाकर या शोकेस में बदलते रहना चाहिए, क्योंकि शीशा धूल, पानी व धुएं से भी रक्षा करता है। कुछ एक पिक्चर ऐसी भी होती हैं जिन पर सीधी लाइट नहीं दी जाती है और कई पिक्चर ऐसी भी देखने में आती हैं जिन पर हरे या लाल बल्ब लगे हुए होते हैं। इस प्रकार से बनी हुई वस्तुओं को संभाल संभाल कर रखें तो वह ज्यादा समय तक चलती है। अब इसी में हम जानेंगे इन्हीं वस्तुओं को सिंथेटिक इनमेल पेंटिंग मेथड के द्वारा, जैसे पंखा हो गया या जो ये टीन वगैरह हो गया, इन सब की जो है सरफेस पर सिंथेटिक इनमेल पेंटिंग मेथड के बारे में हम जानेंगे। इन वस्तुओं को पेंटिंग करने से पहले ऐसे स्थान पर रखते हैं ताकि इन पर कचरा इत्यादि रगड़ने के पश्चात न लग सके। सबसे पहले स्प्रे गन की टंकी में हम ऑयल प्राइमर भर देते हैं और एयर कंप्रेसर को चलाकर किसी छोटी वस्तु पर ट्राई करते हैं, करके देख लेते हैं कि रंग ठीक से चल रहा है या नहीं। अगर रंग गाढ़ा हो तो उसमें थोड़ा सा तारपीन का तेल डाल लेते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि हम स्प्रे गन की टंकी में रंग डालें तो छान कर डालना चाहिए, अन्यथा पेंटिंग करते समय स्प्रे गन के नोजल में छोटा सा मिट्टी का कण पड़ने पर भी कचरा होने से नोजल बंद हो जाती है और काम करने में कठिनाई उत्पन्न होती है और फिनिशिंग भी ठीक प्रकार से नहीं आती है। तो इसी में प्राइमर की कोटिंग लगाने के पश्चात हम अच्छी क्वालिटी का वाइट प्राइमर की कोटिंग लगाने के पश्चात हम अच्छी क्वालिटी का वाइट लीड पेंट बनाकर और उसमें वह पेंट भी मिला लेते हैं जिसकी फिनिश कोटिंग देनी होती हो और भली प्रकार छान कर स्प्रे गन की टंकी में भर लेते हैं और धीरे धीरे पहले के अनुसार वाइट लीड पेंट की अंडर कोटिंग दे देते हैं। इसके सूखने के पश्चात अच्छी किस्म का सिंथेटिक एनामेल पेंट लेकर और उसका वस्तुओं के अनुसार शेड बनाकर फिनिशिंग की कोटिंग दे देते हैं। इस प्रकार से हम वस्तुओं पर पेंट द्वारा नयापन लाकर उसे हवा में सूखने के लिए रख देते हैं। अब हमारा है डूको पेंटिंग मेथड की डूको में पेंटिंग मेथड। इन्हीं वस्तुओं को हम डूको पेंट से भी रंग करते हैं और निकिल पार्ट्स पर ग्रीस इत्यादि लगा देते हैं
और स्प्रे गन में ड्यूको प्राइमर और स्प्रे गन ड्यूको प्राइमर लेते हैं और इसमें अनुपात से एंथी थिनर डालकर, सही अनुपात से एंथी थिनर डालकर हम स्प्रे गन में को ट्राई करके देख लेते हैं ताकि वस्तु पर रंग करने के पश्चात उसमें खराबी ना आ जाए और डीको प्राइमर की कोटिंग देने के पश्चात अच्छी किस्म का आईसीआई का डूको पेंट लेकर और उसमें एनसी थिनर डालकर जो कि आसानी से स्प्रे गन में चल सके बना लेते हैं और इसकी कम से कम 3 राउंड लगा देते हैं, यानी 3 कोट लगा देते हैं। परंतु ऐसा करने से बाद भी उसमें चमक नहीं आती क्योंकि जब हम ड्यूको पेंटिंग पर रबिंग कंपाउंड को मलमल की गद्दी के साथ लगाकर और थोड़ा सा उसमें उसे पानी में भिगो कर पेंटिंग की हुई वस्तु पर रबिंग नहीं करके करते हुए सारे आर्टिकल को फिनिश कर लेते हैं। ऐसा करने पर जो ड्यूको पेंटिंग की हमारी कोटिंग की है उसमें से 1 राउंड रबिंग करने में निकल जाती है और वस्तु में चमक आ जाती है। इसके पश्चात हम ग्रीस को निकल पार्ट से उतार देते हैं और शेष आर्टिकल पर वैक्स पॉलिश कर लेते हैं और वस्तु बनकर तैयार हो जाती है। हम जानेंगे कि ड्राई पिगमेंट के बारे में। हरे सूखे रंग को पिगमेंट कहते हैं, हर सूखे रंग को हम पिगमेंट कहते हैं। इस पिगमेंट के अलग अलग शेड बाजार में मिल जाते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, काला, सफेद, हरा इत्यादि। इन्हीं पिगमेंट में हम वाटर कलर व ग्लिसरीन इत्यादि मिलाकर तैयार करते हैं और हैं जो कि छोटी छोटी शीशियों के रूप में पेस्ट कलर के नाम से जाने जाते हैं और इनका प्रयोग हम वाटर कलर के रूप में ड्राइंग शीट, गत्ते और चार्ट इत्यादि पर करते हैं। इन्हीं पिगमेंट में कच्चा अलसी का तेल मिलाकर हम इसे ऑयल कलर ट्यूब बनाकर ऑयल पेंटिंग का नाम कैनवास, प्लाई और हार्डवुड इत्यादि पर कर सकते हैं। इन्हीं पिगमेंट में बॉयल लिंस्ड ऑयल मिलाकर इससे पेस्ट की सूरत में लाकर और अनुपात से इसमें वार्निश और तारपीन का तेल या सिंथेटिक थिनर डालकर पेंट बनाते हैं जो कि लकड़ी, टीन, दीवार इत्यादि को काफी समय तक धूप, धूल, वर्षा से सुरक्षित रखता है। कुछ पिगमेंट वैज्ञानिक तरीके से गर्मी देकर तैयार किए जाते हैं, जैसे रासियाना, ब्रंट टर्की अम्बर और रॉ अम्बर तथा ब्लैक इत्यादि। यह पिगमेंट फर्नीचर पर पॉलिश करने के प्रयोग में लाए जाते हैं। इनका प्रयोग करने पर लकड़ी पर बने कुदरती रेशे पॉलिश करने के बाद भी साफ दिखाई देते रहते हैं। फिर हमारा है एनसी थिनर। एनसी थिनर प्राय डूको पेंट के रंगों में प्रयोग किया जाता है जो कि स्प्रे गन की सहायता से वस्तुओं पर प्रयोग किया जाता है। डिब्बा खोलने पर इसमें से एक स्मेल सी निकलती है, वह अपने ही किस्म की और नाक में चढ़ने वाली होती है। यह स्वच्छ किया हुआ होना चाहिए, अन्यथा मैले थिनर में कम पावर होती है जो कि पेंट को मिक्स करते समय कठिनाई उत्पन्न करती है। अतः स्वच्छ किस्म का थिनर ही प्रयोग में लाना चाहिए ताकि काम करते समय स्प्रे गन के नोजल में जम जाएगा और काम में बाधा डालता है। यह डीको एनसी 14 को फिलअप करने के लिए ड्यूको प्राइमर की कोटिंग लगते समय अगर गाढ़ी हो जाए तब भी एनसी थिनर से उसे पतला कर लेते हैं। स्प्रे पेंटिंग का काम खासकर
खत्म करने के बाद स्प्रे गन को हाथों को तथा फर्श इत्यादि पर गिरे छींटों को एनसी थिनर से साफ कर लेते हैं। उसके बाद है हमारा सिंथेटिक थिनर। यह थिनर प्रायः सिंथेटिक एनामेल में प्रयोग किया जाता है या पेंट में इसलिए मिक्स किया जाता है ताकि ब्रश से काम करते समय भी अगर पेंट गाढ़ा हो जाए तब भी हम इसका प्रयोग करते हैं ताकि पेंट में चमक बनी रहे और पेंट की हुई वस्तु पर सूखापन ना आ सके। अगर साइन बोर्ड पेंटिंग करते समय उसमें कोई गलती हो जाए तो इसी से उसे मिटा लेते हैं और दोबारा ठीक करके उसे बना लिया जाता है। इसे स्प्रे पेंटिंग करने के लिए सिंथेटिक एनामेल के साथ इस्तेमाल करते हैं जो कि लकड़ी की बनी हुई वस्तुओं को घुन लगने से और टिन वस्तुओं को जंग लगने से सुरक्षित रखता है। इसके अलावा ऑयल प्राइमर को भी इस्तेमाल करते समय सिंथेटिक थिनर का उसमें उपयोग किया जाता है ताकि ब्रश आसानी से चल सके। यह तारपीन की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा होता है और पेंट की चमक बनाए रखता है। वो हमारा है एस्टीमेट एवं कॉस्टिंग परिचय। किसी भी सरफेस पर पेंटिंग का काम करने से पहले उसके क्षेत्रफल को निकाल कर हिसाब लगाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा सामान उसके क्षेत्रफल के अनुसार बाजार में खरीदना है। जैसे मान लो कि हमें लकड़ी की सरफेस पर या हार्डवुड की सरफेस पर पेंटिंग करनी हो तो उसके लिए हमें निम्नलिखित वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। अगर बहुत ज़्यादा खुरदरी जगह हो तो मोटा और बारीक सैंड पेपर लेंगे जो कि अच्छी तरह से सरफेस पर को प्लेन कर सके तथा इसके बाद अलसी के तेल की प्राइमर कोटिंग कर देते हैं। इससे सूखने के लिए 48 घंटे का समय दिया जाता है। इसके बाद हम वाइट लीड पेंट तैयार करते हैं, उसे अच्छी तरह से साफ किए हुए गैप ब्रश से दूसरी कोटिंग लगा देते हैं। इस अंडर कोटिंग के सूखने के बाद घिसे हुए सैंडपेपर से हल्की सी रबिंग करते हैं और जिस शेड का सिंथेटिक एनामेल पेंट करना हो उसे एक प्याले में छानकर नियम से सरफेस पर फिनिश राउंड लगा देते हैं। इसी प्रकार दीवार पर पेंटिंग करते समय नियमानुसार सैंडपेपर से रबिंग करके अलसी के तेल की कोटिंग करते हैं और इसके बाद वाइट लीड पेंट की कोटिंग तथा फिर सिंथेटिक पेंट की फिनिश राउंड लगा देते हैं, फाइनल राउंड लगा देते हैं। अब इसी में हम आप जानेंगे कि कॉस्टिंग के बारे में, कि क्षेत्रफल के अनुसार रंग का खर्चा निकालने की विधि। कि जैसे माना एक पार्टीशन की लंबाई 10 फुट और चौड़ाई 10 फुट है, इन दोनों हिस्सों पर पेंट की कोटिंग करनी हो तो बताओ कितना पेंट लगेगा और कितने का लगेगा, जबकि पेंट का भाव 10 रुपये प्रति लीटर है। तो इसे हम देखेंगे कैसे जो है इसको हम निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे तीन पार्टीशन की लंबाई है कितनी, 10 फुट। उसके बाद तीन पार्टीशन की चौड़ाई है 10 फुट। इसका मतलब होगा कि तीन पार्टीशन का क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, यानी 10 × 10 बराबर 100 वर्ग फुट, ठीक है। फिर उसके बाद तीन पार्टीशन के दोनों हिस्सों का क्षेत्रफल, यानी दो साइड करनी है ना, 100 × 2। हम यह मानते हैं कि यदि 1 लीटर पेंट पहली कोटिंग में 100 वर्ग फुट एरिया कवर करता है तो इसका मतलब है कि 100 वर्ग फुट क्षेत्रफल पर पेंट लगेगा वो 1 लीटर होगा, ठीक है। तो फिर इसलिए 1 वर्ग फुट क्षेत्रफल पर कितना पेंट लगेगा, जाहिर सी बात है 1/100 हो जाएगा। इसका मतलब है कि 200 वर्ग फुट क्षेत्रफल पर कितना पेंट लगेगा, तो 1/100 × 200, ये निकल के आ जाएगा 2 लीटर। फिर दोबारा हम लेते हैं, यदि 1 लीटर पेंट दूसरी कोटिंग, अब हम दूसरी कोटिंग कर रहे हैं, 1 लीटर पेंट दूसरी कोटिंग 110 वर्ग फुट एरिया कवर करता है तो
110 फुट क्षेत्र पर पेंट लगेगा कितना, 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर हो गया। तो इसी तरह 1 वर्ग फुट क्षेत्र पर कितना पेंट लगेगा, वैसे ही हम कर लेंगे 1/110। इसका मतलब है 200 फुट, 200 वर्ग फुट क्षेत्र पर कितना पेंट लगेगा, 1/110 × 200, यानी 1.818 लीटर। यदि अब तीसरी कोटिंग कर रहे हैं हम, यदि 1 लीटर पेंट तीसरी कोटिंग 120 वर्ग फुट एरिया कवर करता, तो 120 वर्ग फुट क्षेत्रफल पर कितना पेंट लगेगा, 1 लीटर। इसका मतलब 1 वर्ग फुट क्षेत्रफल पर पेंट लगेगा 1/120। इसका मतलब है 200 वर्ग फुट क्षेत्रफल पर पेंट लगेगा 1/120 × 200, यानी 1.667 लीटर। तो अब हम जो है, तीनों कोट हो गए हमारे। अब कुल पेंट जो टिन शीट पर तीन कोटिंग में लगेगा, तो तीनों को जोड़ लेंगे, 2 + 1.818 + 1.667, यानी 5.485 लीटर। तो 1 लीटर पेंट की कीमत कितनी है, 10 रुपये। इसका मतलब है 5.485 लीटर पेंट की कीमत 5.485 × 10 = 54.85 रुपये, इसकी जो है कीमत निकल के आई है। इसी तरह हम एक जो है और उदाहरण देख लेते हैं। एक कमरे की दीवारें 7 × 3 दो हैं, तथा 4 × 3 दो हैं। एक दरवाजा 1.25 × 2 तथा एक खिड़की 0.75 × 1.5 साइज में है। यदि सभी माप मीटर में हो तो ₹5 प्रति वर्ग फुट के हिसाब से कमरे की दीवार पेंट करने का लागत ज्ञात करो। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले दीवारों का कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि 7 × 3 × 2, क्योंकि दो दो दीवार है, प्लस 4 × 3 × 2। तो इनको जोड़ने के बाद 66 वर्ग मीटर पूरे दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब उसमें क्या करेंगे, दरवाजे तथा खिड़की का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 1.25 × 2 + 0.75 × 1.5, यानी यह हो जाएगा 3.625 वर्ग मीटर। तो अब इन्हें जो है हम शेष दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए, पूरे जो है दीवार के क्षेत्रफल में से खिड़की का जो है, दरवाजे खिड़की का क्षेत्रफल माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 62.375 वर्ग मीटर। अब इसकी जो है 62.375, अब इसको जो है हम 62.375 को जो है हम वर्ग मीटर में है, इसको वर्ग फुट में बदलने के लिए इसको गुणा 10.76 से कर देंगे, तो ये 671.55 वर्ग फुट आ जाएगा। यानी दीवार पेंट करने की लागत जो आ गई वो 671.55 × 5, यानी 3355.775 रुपये निकल के आए। तो आज मैंने आपको जो है पेंटिंग एस्टीमेट एवं कॉस्टिंग के विषय में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा करता हूँ ये आपके भविष्य में के लिए मददगार होगा। धन्यवाद।